क्वेश्चन नंबर 8, अ रिसर्चर मेड एन ऑब्जर्वेशन अबाउट अ प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम एंड इवेंचुअली यूज्ड टू बिल्ड सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक जो रिसर्चर है उसने एक ऑब्जर्वेशन करी, एक रिसर्च करी और उसमें ये पाया गया कि राइबोसोम एक प्रोटीन बना रहा है और ये प्रोटीन इवेंचुअली बाद में यूज हो रहा है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में। ठीक है, जो प्रोटीन है, द प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन वॉज एक्चुअली स्लाइटली डिफरेंट। अब यहाँ पर इस वर्ड पे स्टूडेंट को फोकस करना होगा कि यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है वो डायरेक्टली ईआर से नहीं गया है क्योंकि वो स्लाइटली डिफरेंट था फ्रॉम द प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम्स। जो प्रोटीन है वो दैट वॉज प्रोबेबली पास थ्रू। अब जो प्रोटीन बना है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बना है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर बात की जाए तो उसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स और ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होके क्या बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये राइबोसोम्स क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। पर ये जो प्रोटीन है ये डायरेक्टली यूज नहीं हुए थे, ये प्रोटीन बीच में मॉडिफाई हुए थे और मॉडिफिकेशन का काम कहाँ पर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो दीज प्रोटीन्स दीज वर मॉडिफाइड मॉडिफाइड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी में मॉडिफाई हुए थे उसके बाद दीज वर सिक्रीटेड आउट, दीज वर सिक्रीटेड आउट एंड फिर उसके बाद दीज गॉट फ्यूज्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन तैयार हुए थे। तो जो प्रोटीन है वो स्लाइटली डिफरेंट थे फ्रॉम द प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम, यानी ये जो प्रोटीन्स है दीज प्रोटीन्स प्रोबेबली पास थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नहीं वहां से तो प्रोटीन बन के आया था। गोल्जी अपैरेटस, बिल्कुल सही। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, नहीं, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम्स ही नहीं है और अगर राइबोसोम्स नहीं है तो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड सिर्फ राइबोसोम्स, ये तो गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।